तो तस्वीरां दिखा रहे हैं कोलकाता दे विच अमित शाह गृह मंत्री दे वल्लों मत्था टेकिया गया है, नतमस्तक होए ने वीर बाल दिवस दे मौके ते अज केंद्र सरकार दे वल्लों इस समागम जिहड़े ने रखवाए गए ने तां नतमस्तक होया जा रहा है। और दूसरे पासे यूपी दे सीएम भी नतमस्तक होए ने और योगी आदित्यनाथ तस्वीरां दे विच नजर आ रहे ने जिन्हां ने खुद महाराज की सवारी जिहड़ी है वह चुकी है और वह लैके जा रहे ने तस्वीरां दे विच नजर आ रहे ने और उन्होंने सिद्धे विराजमान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्होंने लैके जाया जा रहा है और नतमस्तक होए ने यानी कि सेवा जी है वह योगी आदित्यनाथ के वालों खुद निभाई गई है और होर लीडरशिप जी है उन्होंने नज़र आ रही है बीजेपी की। तो दो तस्वीर ने और पहली तस्वीर के अमित शाह नज़र आ रहे हैं जो रुमाला साहब लैके गए ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के नतमस्तक होए ने। राजस्थान के सीएम भी नतमस्तक होए और उन्होंने तस्वीरां ने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के पहुंचे और नतमस्तक होए ने साहिबजादियां की लसानी शहादत को सिजदा किया गया है। वीर बाल दिवस अज मनाया जा रहा है केंद्र सरकार के वालों खास तौर पर दस दिए कि अज अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है, अज पहला दिन है, वो तीन दिन लसानी शहादत को समर्पित और खास तौर पर किस तरीके उन्होंने शहादत को सिजदा किया जाना चाहिए है इसको लैके जिक्र भी कर रहे हैं संबोधन के पर समागम भी मनाया जा रहा है। दस दिए कि पिछले साल की अनाउंसमेंट की गई से ऐलान किया गया से केंद्र सरकार के वालों कि छोटे साहबजाद्या की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस मनाया जाया करेगा हर साल तो उसके चलते समागम रखे गए ने। जयपुर के नवे बने सीएम दे वालों मत्था टेकया गया है तस्वीर तुहानू तो दिखा रहे हैं। उधर दूसरे पास अमित शाह और जेपी नड्डा दे वालों भी नतमस्तक होया गया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वह भी नतमस्तक होए ने तो उन्होंने वालों भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के सजदा किया गया है और अज पहुंचे हुए ने वक्ख वक्ख लीडर। अभी जब मैंने पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका तो मुझे यूं एहसास हुआ जैसे कि पावन वाणी मेरे संपूर्ण शरीर में शरीर को पवित्र कर गई है। बोले सोनिहाल यानी गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों की अच्छी बातों को समावेश किया गया है।
ये निश्चित रूप से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिशा दिखाती है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जो ज्ञान समाया है उसको हमें मात्र पढ़ने की नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सिख धर्म नैतिकता, सामंजस्य और एकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और मानवता को बराबरी और एकता की बात करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहेबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान और साहस को याद करने का पवित्र दिन है। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ।